आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है उन व्यूअर्स के लिए जो दोस्तों एक नॉन चाइनीज फोन की तलाश में हैं। आज के वीडियो हम लोग 15,000 के अंदर मिलने वाले तीन बेहतरीन फोन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको नॉन चाइनीज फोन देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, साथ ही आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M32 4G के बारे में। ये फोन आपको 15,000 के अंदर देखने को मिलता है, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिजाइन वाइज फोन अच्छा लुक है इसमें। चार कैमरा मॉड्यूल पीछे की तरफ देखने को मिलता है जिसमें आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ ही 8 MP 2 MP का 2 MP का, और फ्रंट में आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाता है और कैमरा आउटपुट यहाँ पर बढ़िया आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको MediaTek Helio Z80 देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों इसमें आपको ठीक ठाक गेमिंग वगैरह हो जाएगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मत लीजिएगा। बाकी अगर आप बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड देखने को मिलता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको बढ़िया दिया गया है, 6000mAh की बड़ी सी बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिलती है दोस्तों, 15W का फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पर चार्जर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन बैटरी लाइफ इस फोन में बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, Samsung One UI देखने को मिल जाएगा, साथ ही इसमें आपको दोस्तों ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है और इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। एक बढ़िया और बेहतरीन फोन लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हो दोस्तों। इसमें आपको गेमिंग को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि कॉम्बो पैक देखने को मिल जाता है 15,000 के अंदर, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये फोन नहीं पसंद आया तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी F13। ये एक लेटेस्ट फोन देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से दोस्तों। इसमें आपको 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है 13,000 के अंदर। इसमें आपको डिस्प्ले 6.6 इंच का फुल HD प्लस प्लास्टिक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आपको रिफ्रेश रेट थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 60Hz का देखने को मिलता है, साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्प्ले में प्रोटेक्शन बढ़िया देखने को मिल जाएगा। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो सैमसंग एक्सिनोस 8 Octa देखने को मिलता है 850 वाला, यानी कि घर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस इसमें आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा बेटर नहीं देखने को मिलेगा। गेमिंग के लिए अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हो तो इस फोन के साथ मत जाइएगा। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में तो कैमरा यहाँ पर आपको 3 कैमरा देखने को मिलता है पीछे के साइड, जिसमें 50 MP के साथ 5 MP 2 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। 8 MP का आपको सेल्फी कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 6000mAh की बड़ी सी बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी, 15W का फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड्रॉइड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक कॉम्बो पैक ही रहने वाला है दोस्तों, अगर आप इसको भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको स्टोरेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले में आपको थोड़ा प्लास्टिक LCD देखने को मिलता है, बाकी एक अच्छा फ़ोन ये भी रहने वाला है। ओवरऑल आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो आपके लिए ये फ़ोन अच्छा रहने वाला है। बाकी अगर आपको एक 5G फोन चाहिए तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी F23। जो कि दोस्तों आपको एक 5G फोन देखने को मिल जाता है 15,000 के अंदर, 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। 12 5G बैंड सपोर्ट करता है ये फोन, तो एक रियल 5G फोन देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन 750Z देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़िया हो जाएगा, गेमिंग वगैरह सब कुछ इसमें आप अच्छा कर पाएंगे। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले भी यहाँ पर आपको बढ़िया देखने को मिलता है, बैटरी यहाँ पर 5000mAh की देखने को मिल जाती है, 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कैमरा भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें आपको 50MP के साथ 8MP 2MP का कैमरा देखने को मिलता है, और इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देता है 30fps पर। 8MP का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस फोन में। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में तो एंड्रॉइड 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, Samsung One UI देखने को मिल जाता है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको बढ़िया हो जाएगा, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। 15,000 के अंदर आप एक ऑलराउंडर फोन लेना चाहते हैं 5G के साथ तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं दोस्तों, गेमिंग वगैरह बढ़िया हो जाएगा इसमें, जिसपे आपको थोड़ा सा TFT देखने को मिलता है, बाकी सब कुछ यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा अच्छा ही देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों आज के इन तीनों फोन में से आपको कौन सा फोन ज़्यादा बेटर लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर देखिएगा।